नमस्कार दोस्तों, आरके मीडिया न्यूज चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो मैं आपसे यही प्रश्न करता हूँ, वो भी एक चुनावी जो होनी चाहिए, तो उधर भी लड़ाई लड़ाई गई है। जो पढ़ा लिखा सिंधा साहब के यदि तो बी एम ए हो तो उसको लिखना पढ़ना होना चाहिए, उल्टा जवाब नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। और उसकी जो उम्र है तो जब यही जो ही दूसरी मीटिंग होगी तो मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि सात बाड़े भी हैं। सेक्रेटरी पंचायत जीआरएस और आप सभी का मैं जहां पर आने पर वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो प्रोग्राम हमारे जितने भी मढ़ीन ब्लॉक के पंचीस हैं, सारी बरोटी ब्लॉक के जितने भी हमारे पंचीस हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारा बनोटी ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है और इस ब्लॉक की 272 वार्ड हैं, इस ब्लॉक की 31 पंचायतें हैं और 272 वार्ड हैं, 229 वार्ड हैं और 229 हमारे जो पंच साहबान हैं वो चुनकर आए हैं। तो आज हमने जैसे ही नोटिफिकेशन इश्यू हुआ, हमने कोशिश की कि ये एक पहला मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते कि 229 पंचीस और ब्लॉक के कर्मचारी, मीडिया के अधिकारी और हमारे सरपंची साहबान एक साथ इकट्ठे हुए हैं। ये एक बहुत ही शुभ दिन है, मुबारकबाद का दिन है। आज हमने जो आपकी ओ सेरेमनी रखी है, हमने कोशिश की, हमें ऊपर से डायरेक्शन थी कि ये ब्लॉक हेडक्वार्टर पर होना चाहिए, मगर हम उधर बैठने की इतनी सुविधा नहीं थी, तो नेट में ये भी आ रहा था कि मौसम भी खराब है, तो हमने कोशिश की कि क्यों ना हम एक अच्छी जगह इनका वेलकम करें। और ओ सेरेमनी का जो बार बार मौका नहीं आता, तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको सुविधा देने की। तो इससे पहले कि मैं ओथ शुरू करूं, जैसे हमारे सेक्रेटरी साहबान रोशन जी ने काफी डिटेल में आपको बताया कि एक हफ्ता पहले हमारे जितने भी सरपंची थे इनकी ओथ सेरेमनी का जो कार्यक्रम गुलशन ग्राउंड जम्मू में हुआ, और इसके साथ साथ आज हमारे जितने भी पंची साहबान हैं बरोटी ब्लॉक के, इनकी जब ओथ सेरेमनी हो जाएगी तो आपके पास एज पर पंचायती राज एक्ट 1899 और पंचायती राज रूल 1996 के मुताबिक आपकी जो पावर है आपको मिल जाएगी। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ने जो एक्ट में तरमीम की है, जब पिछली इलेक्शन हुई तो 14 डिपार्टमेंट की सुपरवीजन का काम पंचायतों को दिया गया था, मगर इस बार हमारी सरकार ने 21 डिपार्टमेंट की सुपरवीजन, उनकी प्लानिंग का काम पंचायतों को दिया है। तो अभी हमने एक नोटिस निकाल दिया है, एक दो दिन में हर पंचायत में ग्राम सभाएं होंगी, अभी ग्राम सभाएं होने जा रही हैं और वो पंचायत हेडक्वार्टर पर होंगी और सरपंच की चेयरमैनशिप में होंगी। हमने जो लाइन डिपार्टमेंट हैं, जो हमारे 21 डिपार्टमेंट हैं, उनको भी लेटर लिख दिया है, आपने हर डिपार्टमेंट की प्लानिंग करनी है, हर डिपार्टमेंट की प्लानिंग करनी है।
हर डिपार्टमेंट को देखना है कि उस डिपार्टमेंट में कितने फंड जाते हैं, उनकी सुपरविजन करनी है। जैसे रूरल डेवलपमेंट हमारे रोशन ने बताया, जी आपका अपना डिपार्टमेंट है, इसी डिपार्टमेंट ने इलेक्शन कराई है और शाना पिशाना आप जब से ये महकमा बना है तो हमारे डिपार्टमेंट का नाम हुआ करता था CDNMES, कम्युनिटी डेवलपमेंट नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। 1958 में जो हमारा महकमा बना, 1958 से लेकर आज तक जो पंचायती राज सिस्टम है जो रूरल डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप हमारे बाजू हो। जैसे उंगली होती है, एक उंगली में दर्द होती है तो दूसरी को पूरे शरीर को महसूस होता है। आपने हमारा साथ देना है, आपने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और हमने आपका साथ देना। मैं बतौर वीडियो बनोटी आपको ये अश्योरेंस देना चाहता हूं कि जब तक मैं इस बनोटी ब्लॉक में हूं, हमारे जितने भी 229 पंचेस हैं और जो सरपंचेस हैं, इनको मेरी तरफ से, मेरे दफ्तर की तरफ से और मेरे स्टाफ की तरफ से ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगी। तो आपने हमारा साथ देना है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, इकट्ठे बैठकर प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करने के बाद उसको ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट करना है। जैसा कि सेंटर की बहुत सी स्कीमें हैं, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई सैकड़ों स्कीमें, उनमें से जो 4-5 स्कीमें हमारी भी हैं, मेन स्कीम हमारी नरेगा है और दूसरी स्कीम हमारी PMAY, आप सभी वाकिफ होंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो जो पहले IAY के नाम से जानी जाती थी, तो IAY में इस स्कीम के तहत यह स्कीम 7800 से शुरू हुई और 75,000 तक लोगों को फ्री ऑफ कास्ट घर बनाने के लिए देते थे। तो 2014 में इसी स्कीम को मर्ज करके इसका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया। इसके तहत जो 2011 में सर्वे हुआ उसको बोलते हैं सेक का सर्वे, सेक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC सेक, इसकी फुल फॉर्मिंग है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। उस सर्वे में हर घर का सर्वे हुआ और कुछ लोग जो गरीब लोग, जो डिप्राइव्ड फैमिली है, वो हमारी जो ऑटो जनरेटर लिस्ट है उसमें आए हैं और उनको हम मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपया फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। अब वो सारा जो PMAY का सिस्टम है वो पंचायत के माध्यम से चलेगा, पंचायत ही उसकी प्लानिंग करेगी और पंचायत ही लिस्ट बनाएगी। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, जब सर्वे हुआ उसमें कुछ त्रुटियां हुई होंगी मैं मानता हूं, मगर उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, जिनके मकान कच्चे हैं, जिनके घर का कोई इंप्लाई नहीं है, तो वो कुछ लोग रह गए हैं, तो उनको भी आप लोगों ने जो रह गए हैं उनकी प्रॉपर बेस लिस्ट बनानी है। तो ऐसी लिस्ट बनानी है जो ट्रांसपेरेंट हो, इसमें किसी किस्म का पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो लोग रह गए हैं जिनके मकान कच्चे हैं बट उनका जो लिस्ट है सेक में उसका नाम नहीं है, तो वो आप लोगों के माध्यम से वो लिस्ट बनेगी, तो जो ही लिस्ट अप्रूव होगी उनको भी मकान के पैसे दिए जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरी जो हमारी स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये स्कीम, इसको पहले NBA निर्मल भारत अभियान के नाम से जाना जाता था, तो अब इसको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के नाम से जाना जा रहा है। इसका भी सर्वे हुआ था 2011 में, जिसको बोलते थे बेसलाइन सर्वे, और बेसलाइन सर्वे के अधीन जो लोग, अभी हमारे पास बहुत से लोग आते हैं कि हमने टॉयलेट बनाई हमें पैसे दे दो, मगर अब सरकार ने आप लोगों को पावर दी है तो आप लोगों की भी कुछ लिमिटेशंस होंगी जो गाइडलाइन में नहीं आएंगे, ना ही उसको वीडियो पैसे दे सकता है, ना ही उसको सरपंच दे सकता है, ना ही उनको पंच दे सकता है। तो टॉयलेट के पैसे देने के लिए SBM का जो बेसलाइन सर्वे है उसमें हर एक का नाम होना अनिवार्य है। तो वो जो ड्रॉप आउट लोग हैं, जो रह गए हैं जिनका बेसलाइन सर्वे में नाम नहीं है, उनका भी जो सर्वे है वो आपके माध्यम से होगा। तो जो ये सहवान है, इन्होंने अपनी पंचायत में एक बार सभा करनी है,
अपनी पंचायत के लोगों को बुला के उनकी जो मुश्किल दौरान उनके मैनिफेस्टो में क्या था, उन्होंने लोगों के साथ क्या वायदे किए थे, बार सभा करके उनकी प्लानिंग करें। उनकी प्लानिंग करने के बाद उनके काम नोट करें। जो लैंड डिपार्टमेंट हमारे 21 डिपार्टमेंट है, वो ऐसे डिपार्टमेंट है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा एक रूरल डिपार्टमेंट ऐसा दस में कोई भी आता है, चाहे कोई गरीब है, जय गरीबों का महकमा है, जय आप लोगों से जुड़ा हुआ महकमा है, आप लोगों के बीच से निकला हुआ महकमा है। तो हम कोशिश करते हैं, हमें ऊपर से डायरेक्शन है कि हमारे पास वही लोग आते हैं जो गरीब होते हैं, जिनको ये जिनके दिल में होता है जा गफलत जा अदावत के बगैर सर अंजाम दूंगा दूंगी। शुक्रिया, बैठ जाइए। जिसे हल्का पंचायत दा पंच चुनिया गया है, मैं भगवान परमेश्वर दे ना दी सगंध लैना लैनी हां, जे मैं सच्चे दिले वफादारी अपनी काबिलियत ईमानदारी ते इंसाफ कन्ने अपने दफ्तरी कम्मे काजे गी कुसे डर त्रा तरीफ जा बैर विरोध बगैर पूरी ईमानदारी कन्ने अपने कम्मे गी करूंगा करूंगी। शुक्रिया। मैं रवि कुमार धमाल दा बोलना, वार्ड नंबर 1 दा। पहले सरपंच दी शपथ हुई है, अज साडी पंच दी शपथ हुई है, असें बड़ी खुशी हुई है जड़ी एक शपथ मिली है जनता दे सहयोग कन्नै, जनता दे आशीर्वाद कन्नै। ते बाकी भाई जनता ने साढ़े पर विश्वास रखिया, हुण जनता अस विश्वास कन्नै बोलने, अज सानू शपथां मिली हैं, पावरां मिली हैं 21 डिपार्टमेंट, और बड़ी खुशी हुई है। ते बाकी भाई जेहड़े जनता दे कम्म होग अस पहले भी करा ने और दिला कन्नै भाई पूरा प्रयास करगे, कोशिश करगे, जड़ी भी छोटी मोटी ग्रां दे विच अधूरे कम्म रहदे आ ते पूरे भाई कम्म करने की कोशिश करगे और जरूर